हेलो चिल्ड्रेन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायो स्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को समझ लिया था। जब हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने जाना था कि क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम ग्रुपिंग करते हैं और उनको एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं। वहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या हायरार्कियल सीरीज। तो जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वहाँ पर यूज हुई थी, आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और साथ साथ हम एक गोट टेक्निक सीखेंगे जिससे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को अच्छे से लर्न कर सकें। गोट टेक्निक आप जानते होंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आज हम उस टेक्निक को जानेंगे कि हम क्या वो टेक्निक है जिससे टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर से समझेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत लेंथी होने वाला है, इसलिए बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रेन, चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की क्या डेफिनेशन है। जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, उसमें बताया जा रहा है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज अ सीरीज, यानी कि ये एक सीरीज है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट रैंक्स एंड कैटेगरीज को अरेंज किया गया है। यानी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हम उस सीरीज को बोलेंगे जिसमें कुछ कैटेगरीज को एक बार सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिया हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपसे किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक एक पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है, जो किंगडम से लेकर सीरीज तक आती है। अब इस पूरी की पूरी सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर ये जो बीच में लिखा हुआ है, कहीं पर किंगडम लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइलम लिखा है, यहाँ पर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये जो स्पेसिफिक पार्ट है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैं लिख देता हूं यहां पे कैटेगरी, यानी कि स्पेसीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इस तरह से हमारे पास टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। वी हैव 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मिला करके जब हमने इनको एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में रख दिया है, उसको मिलाने से जो हमारे पास हायरार्की बनती है, हम इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी जो हमारे पास क्रम है, सीरीज है, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब हिंदी में होता है पदानुक्रम। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने इंडियन, हमारे कंट्री में इंडियन जुडिशियल सिस्टम देखा होगा या समझा होगा, उसके अंदर आपको पता होगा कि सबसे जो बड़ी कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, उससे छोटी कोर्ट हाई कोर्ट होती है, नीचे डिस्ट्रिक्ट और सबसे नीचे होती है मुंसिफ कोर्ट। इन चारों की चारों कोर्ट्स की ये हायरार्की बनी हुई है। यानी इसमें सबसे पावरफुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, फिर थोड़ी कम पावर हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और सबसे कम पावर से यहाँ पर मुंसिफ कोर्ट के पास। तो इस तरह से ये एक इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की है। यहाँ पर इसके अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितना भी कानूनी कार्रवाई, न्याय दिलाने की प्रक्रिया जो होती है, इन कोर्ट्स के थ्रू होती है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ऊपर जो रेंज है वो सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये हाई कोर्ट है, ये थोड़ी और कम पावरफुल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थोड़ी कम पावरफुल, और सबसे कम पावरफुल है मुंसिफ कोर्ट। तो हमने इस एक सीरीज बना रखी है कोर्ट्स की, और इनको हमने अरेंज कर दिया है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम पावरफुल है। तो हम इसको मानेंगे कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। लिख देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक हायरार्की हो गई जिसमें घटते हुए क्रम में हमने इसको अरेंज किया हुआ है। यानी सबसे ऊपर हमने सबसे पावरफुल कोर्ट को रखा है, और सबसे नीचे हमने सबसे कम पावरफुल कोर्ट को रखा हुआ है। सेम इसी तरह से जब हम टैक्सोनॉमी में स्टडीज करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर जब हम अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, तो उसी में ही भी हम बहुत सारी रैंक्स को और बहुत सारी कैटेगरीज को अरेंज कर देते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखी गई है वो है किंगडम। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उसके बाद में ये घटती जा रही है, और स्पेसीज में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल रहता है। यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जितने भी उसके जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो स्पेसीज के अंदर आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो सीरीज है उसके अंदर जो क्रम है, उसमें ऊपर से नीचे तक हम घटते हुए क्रम में इसको लेकर के आ रहे हैं। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम सबसे पहले स्पीसीज को लिख रख सकते हैं, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरह से। तो इसका जो क्रम है, यानी जो सीक्वेंस है, वो हमारी मर्जी के अनुसार हो सकती है, लेकिन ये जो सीरीज हमारे पास बनी हुई है, इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे कैटेगरीज बनी हैं, जो हिस्से बने हुए हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं, जैसे कि एक कैटेगरी होगी किंगडम, फाइलम, क्लास, इन सब को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
तो ये होगी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, यानी हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ ली है, यहाँ पर भी एक हायरार्की बनी हुई है किंगडम से लेके स्पीसीज तक आ रही है जो। अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक ग्रुप के अंदर हम एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक पार्टिकुलर ग्रुप अलॉट कर देंगे जो एक दूसरे से सिमिलर हो, और उनके सिमिलर होने के लिए जो फीचर्स हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी लेंगे, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी लेंगे, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हम देख करके सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को जो एक दूसरे से रिजेंबल करते हो, यानी एक दूसरे से सिमिलर हो, एक दूसरे जैसे हो दिखने में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, हम उनको एक पार्टिकुलर ग्रुप में रख देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम किंगडम का, चलिए किंगडम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे पास ये किंगडम है। अब किंगडम एनिमेलिया का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनिमेलिया। ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, किंगडम इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इस किंगडम हमारे पास कई किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 किंगडम्स है, तो हम एक किंगडम उसमें से ले लेते हैं, हम किंगडम एनिमेलिया ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम किन ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। अब किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप जानते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है उनकी यूकैरियोटिक या एडवांस स्ट्रक्चर होती है, हीटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, खुद ये नहीं बना सकते, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ना ही फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, और इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा ये मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बहुत ही हाईली डेवलप्ड होता है। तो अब हमने ये बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर रख लिए हैं, और हमने ये डिसाइड कर दिया कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम एनिमेलिया हमारे पास है उसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे जिनके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स होंगे, यानी ये फीचर्स शो करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनकी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बना देंगे, और उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम रख देंगे एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने के लिए ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसी भी इंडिविजुअल को शो करने चाहिए। तो इस तरह से एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर देते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर देते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इस तरह से आपने दो चीज़ें समझ ली हैं कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करने वाले ग्रुप को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और इस तरह से जो कैटेगरीज हमने बना रखी हैं जब हम उनको एक सीक्वेंस में प्लेस कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये चीज़ें हमने समझ ली हैं। इसके बाद हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितने टाइप की होती हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज, नंबर 2 पे आती हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज, एंड 3rd होती हैं इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी ये वो कैटेगरीज होती है जिनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और ये बिल्कुल टाइट कैटेगरीज हैं। तो ऑब्लिगेट कैटेगरीज की जो नंबर्स है वो 7 है, यानी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई गई हैं जो आपने भी पिछले पेज पे भी पढ़ी हैं, वो सारी की सारी जो कैटेगरीज थी वो टोटल नंबर्स में 7 थी। इसके बाद में इंटरमीडिएट कैटेगरी, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, यानी कि ये कैटेगरीज इन जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनके बीच में इनको कहीं पर रख दिया जाता है। जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं वो होती है 21, यानी हमारे पास 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। इसके बाद में आती है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, यानी कि ये इंफ्रा मीन्स है यहाँ पर इन्फीरियर टू स्पेसीज, यानी कि जो सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे पास स्पेसीज की है उससे नीचे की जो कैटेगरीज आती हैं या उससे नीचे, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि बहुत सारी स्पेसीज हैं उनकी सब स्पेसीज होती हैं, वेराइटीज होती हैं, उनको हम जो अरेंज करेंगे जिस कैटेगरी में उनको रखेंगे उस कैटेगरी को हम बोलेंगे इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। तो इस तरह से हमारे पास 3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रेजेंट हैं। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज को। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ते हैं। ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, यानी टोटल नंबर 7, यानी टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इनका नाम ऑब्लिगेट है। अब ऑब्लिगेट कैटेगरीज आप पढ़ रहे होंगे, आपके सामने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज।
तो इस तरह से ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप क्लासिफाई करेंगे या उन्होंने उसको आपने अभी डिस्कवर किया हो या फिर वो पहले से ही डिस्कवर्ड हो, उनको हम क्लासिफाई इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर ही करेंगे। इनको याद करने के लिए, याद रखने के लिए एक बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमसली यूज्ड एमनिमोनिक है, उसके हेल्प से आप इन कैटेगरीज को याद कर सकते हैं। एमनिमोनिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये जो एमनिमोनिक है ये इसके डिसेंडिंग ऑर्डर को याद करने के लिए, यानी कि सबसे बड़ा है किंगडम, किंग मींस होता है राजा, होता है राजा का पूरा पूरा साम्राज्य। तो इस तरह से हम यहाँ पर किंगडम से स्टार्ट करते हैं और स्पेसीज तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब यह किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स और स्पेसीज में सिर्फ एक इंडिविजुअल एनिमल प्रेजेंट होता है और उसके जैसे दूसरे एनिमल्स। तो यहाँ पर हमने इसके एक एमनिमोनिक पढ़ लिया डिसेंडिंग ऑर्डर का, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, इसी के एग्जाम्पल्स आप इसको याद रख कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सौरभ गांगुली का पिक्चर क्यों लगा हुआ है, उसका कारण यह है अगर आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लर्न करना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लर्न कर सकते हैं सौरभ गांगुली के एग्जाम्पल से। सौरभ गांगुली इज फैमिली ऑर्डर्ड चावल दाल एंड कबाब। अब यहाँ पर डी आ गया है लेकिन नंबर टू पे हमारे पास फाइलम पी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये डी से लिया है कि हम डिविजन लिखते हैं इसको प्लांट्स के लिए। मीन्स फाइलम इज रिप्लेस्ड बाय डिविजन फॉर प्लांट्स। अगर आप किसी प्लांट को क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले आप उसका किंगडम रखेंगे यानी किंगडम प्लांटी, उसके बाद में आप फाइलम नहीं यूज करेंगे, आप टर्म यूज करेंगे डिवीजन। डिवीजन इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज्ड फॉर एनिमल्स, यानी कि जो सेकेंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ऊपर से जब हम स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए फाइलम यूज होती है और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज होता है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमने डिवीजन के लिए यहाँ पर दाल यूज कर दिया है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर का एमनिमोनिक हो गया। इन दो एमनिमोनिक की हेल्प से आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के डिसेंडिंग ऑर्डर को और असेंडिंग ऑर्डर को अच्छे से याद कर सकते हैं। ये ऑर्डर जो है ये पूरा का पूरा फिक्स है, आप इसको अपनी मर्जी के अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दो एमनिमोनिक आपको बताए गए हैं जिनकी हेल्प से आप इनको अच्छे से लर्न कर सके। तो आप एमनिमोनिक को लर्न कर लीजिए दोनों के दोनों को, और फिर आप इन कैटेगरीज को अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये होगी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज की। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि ये बीच में आती है यानी मध्यवर्ती है, यानी कि जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमारे पास हैं उनके बीच में ही कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट कैटेगरीज को जोड़ दिया गया या घुसा दिया गया है। अब इंटरमीडिएट कैटेगरीज को सब कैटेगरीज एंड सुपर कैटेगरीज से इंडिकेट किया जाता है। इनको जो इनकी टोटल नंबर्स है वो 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज हमारे पास है, और इनको लाने का जो बेनिफिट है यानी इनको क्यों लाया गया, उसका ये फायदा यह है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज कर देती है, यानी कि उसको और भी ज़्यादा स्पष्ट ये कर सकती हैं। अब क्यों इनकी हमें जरूरत पड़ी उसको एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सामने आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखी हुई है और इधर एक क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। यह टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सारी की सारी 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर लिखी गई हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज। अब यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये लिखा गया है लोयन का, लोयन यानी कि शेर। यहाँ पर कहाँ है, ये रहा शेर हमारा, ये हमारा शेर है, और इसका हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है इसकी मैमेलिया, ऑर्डर है कार्निवोरा, फैमिली है फेलिडी, जीनस इज पैंथेरा एंड स्पेसीज इज लियो। इन दो टर्म्स को आप जानते होंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पैंथेरा लियो कई बार पढ़ाया, लेकिन ये टर्म शायद आप नहीं जानते होंगे, पहली बार आप इनको पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। जिस किंगडम के अंदर हम एनिमल्स को रखते हैं उसका नाम है एनिमेलिया, तो लोयन एक एनिमल है तो हमने इसका किंगडम रखा एनिमेलिया। इस तरह से हमने फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी, जीनस पैंथेरा और स्पेसीज लियो को रखा हुआ है। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है यहाँ पर और ये इसका क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हमें एक अलग से इंटरमीडिएट कैटेगरी की कहाँ पर जरूरत है। अब ये देखने के लिए आपको समझना होगा कि जो ये फैमिली फैलिडी यहाँ पर लिखा हुआ है, फैमिली फैलिडी के जो मेम्बर्स होते हैं वो कैट्स होते हैं, यानी स्मॉल कैट्स और बिग कैट्स। आपने सुना भी होगा कई जगह न्यूज़ में भी यही बोला जाता है कि जो जो
कैट्स होती है जो हमारे घर में रहती हैं, और ये जो जितने भी एनिमल्स ये सामने आपके लिखे, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, इन सबको भी कैट्स ही बोला जाता है। ये पूरी की पूरी जो फैमिली फैलिडी है इसको कैट्स फैमिली कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर स्मॉल और बिग कैट्स को रखा गया है, क्योंकि जो कैट्स होती हैं और जो ये पैंथेरा वाले जितने भी ऑर्गेन एनिमल्स होते हैं इनके फीचर्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कैट तो एक छोटा सा एनिमल है और ये सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये लार्ज है, लार्ज साइज में है। तो अगर हमें इंडिकेट करना है खास तौर से इनको, यानी जो जीनस पैंथेरा है, पैंथेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को, यानी पैंथेरा लियो लायन के लिए हो गया, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के हो गया, पैंथेरा पार्डस पैंथर के लिए हो गया। तो इस तरह से हम अगर इनको, खाली इनको इंडिकेट करना चाहें, हम मेंशन ना करना चाहते हो स्मॉल टाइगर्स को, तब हम क्या करें? तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कैटेगरी एंटर करा दी, जो यहाँ पर फैमिली फैलिडी है इसके नीचे कैटेगरी अटैच कर दी गई और उस कैटेगरी का नाम रख दिया गया पैंथेरिनी। कहाँ पे इसको हमने डाला है? हमने इसको फैमिली को, सब फैमिली यानी फैमिली से नीचे और जीनस से ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमने एक कैटेगरी बना दी। अब सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी, इनमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इनको नहीं हटाया, जस्ट हमने एक एडिशनल कैटेगरी ऐड कर दी है बीच में, इसीलिए इनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहा है। तो यहाँ पर हमने एक इंटरमीडिएट कैटेगरी ऐड कर दी है। अब इस इंटरमीडिएट कैटेगरी का नाम हमने रख दिया पैंथेरिनी, और इसके अंदर जितने भी बिग कैट्स हैं उन सबको हमने रख दिया गया। फैमिली फैलिडी में जितनी भी कैट्स आती हैं बिग और स्मॉल सारी की सारी रखी गई थी, लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बिग कैट्स को पढ़ना है तो हम किस में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सब फैमिली पैंथेरिनी में। तो इस तरह से हमारा ये फायदा हो जाएगा कि जब हम इन एनिमल्स को स्टडी करना चाहेंगे, इनके फीचर्स को पढ़ना चाहेंगे, तो जब हम पूरी की पूरी फैमिली फैलिडी पढ़ेंगे तो हमें स्मॉल कैट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सब फैमिली पैंथेरिनी को पढ़ लेंगे तो हमें सिर्फ बिग कैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने लाए ही हम इसलिए हैं कि हमारी जो स्टडीज है वो कन्वीनियंट हो सके, ईजी हो सके, ऑर्गेनिजम्स को हमें क्लासीफाई करना या ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो सके। तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज का लाभ होता है, फ़ायदा होता है, और इस तरह से इंटरमीडिएट कैटेगरीज को जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है उनके बीच में ही ऐड कर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज जो 21 है, कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज को आप यहाँ पर देखेंगे, ऑब्लिगेट कैटेगरी है किंगडम, और हमने दो इंटरमीडिएट कैटेगरीज यहाँ पर लगा दी हैं, सब किंगडम एंड सुपर किंगडम। सुपर ऊपर आता है, सब नीचे आता है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऊपर आएगा सुपर और नीचे आएगा सब, इस तरह से। इसके बाद में सेम ही रूल होता है फाइलम के लिए, ऊपर आएगा सुपर फाइलम, नीचे आएगा सब फाइलम, क्लास सुपर क्लास सब क्लास, ये यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑर्डर सुपर ऑर्डर एंड सब ऑर्डर, फैमिली सुपर फैमिली एंड सब फैमिली, जीनस सुपर जीनस एंड सब जीनस। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज बनाई गई है, यानी कि ये फैमिली और जीनस के बीच में एक सब फैमिली यहाँ पर हमने एक कैटेगरी को लगा दिया है, ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी होगी। इस तरह से टोटल 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, इनको लर्न करना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया है। एक क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, नीट में पूछा गया था कि ट्राइब कौन सी इंटरमीडिएट कैटेगरी है, कहाँ पर आती है? तो ट्राइब जो है वो एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। तो जीनस एंड सब फैमिली कहाँ है? यहाँ पर हमारे पास ये रहा जीनस और ये रही सब फैमिली, तो इसके बीच में जो कैटेगरी है ये आएगी ट्राइब यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं, ये है सब फैमिली और ये है हमारा जीनस, इनके बीच में यहाँ पर एक जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है ये होती है ट्राइब। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी समझा था कि अगर किसी भी स्पेसीज के दो इंडिविजुअल्स कुछ वेरिएशन शो करते हैं तो उनको सब स्पेसीज या वेराइटी बता करके हम उनका नाम इंडिकेट कर देते हैं नोमेनक्लेचर में। हमने एग्जाम्पल लिया था पैंथेरा लियो का, वहाँ पर हमारे पास लॉयन के लिए हमने पैंथेरा लियो साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम रखा था। अब जो हमारे पास अफ्रीका में लॉयन मिलता है उसको हमने बोला था, एक सब स्पेसीज बना दी थी उसको हमने बोल दिया था मेलेनोकाइटा, और जो एशिया या इंडिया में मिलता है उसको हमने बोल दिया था पर्सिका, और उसकी सब स्पेसीज का नाम हमने स्पेसिफिक नेम के बाद में ऐड कर दिया था। तो जो ये एक एक्स्ट्रा कैटेगरी होती है जिसको स्पेसीज के बाद में यूज किया जाता है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक, यानी कि ये इन्फीरियर है स्पेसीज से, स्पेसीज से बाद में इस कैटेगरीज को मेंशन किया जाता है, इसका यूज किया जाता है सब स्पेसीज के लिए और वैरायटी के लिए। तो इस तरह से हमने तीनों टाइप की कैटेगरीज
ऑब्लिगेट कैटेगरीज, इंटरमीडिएट कैटेगरीज और इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ लिया है। चलिए बेटा एक बार और हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देखते हैं, फिर हम इस डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कुछ फैक्टर्स को समझेंगे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम ये देखेंगे कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से है। तो हमने ये समझाया कि जो किंगडम होता है सबसे लार्ज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, यानी किंगडम का मतलब ही होता है कि राजा का साम्राज्य ही है, यानी अगर यहाँ पर किंगडम एक एनिमेलिया है तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स होंगे, तो किंगडम सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और अगर हम स्पेसीज की बात करें और एग्जाम्पल ले लॉयन का, तो पैंथेरा लियो स्पेसीज के अंदर सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है हमारे पास, उसमें लियो को हम रखेंगे। तो हम ऊपर से जब नीचे तक आ रहे हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर नंबर्स कम हो गए हैं, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर नंबर्स मोर है और यहाँ पर लेस है, और इसी वजह से हमने इस सीक्वेंस को या इस ऑर्डर को, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के इस ऑर्डर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कहा है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। अब इसको हमने याद करने के लिए एमनीमोनिक भी बना लिया था कि पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गैस्ट्रिक, अब ये एमनीमोनिक लर्न करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जो सीक्वेंस हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एज इट इज रहेंगी। अब अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझे, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इसको देखें, तो हम चलेंगे स्पेसीज से। अगर हम स्पेसीज से स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होती जाएंगी, जीनस में थोड़ी और बढ़ जाएंगे, फैमिली में और बढ़ जाएंगे, ऑर्डर में ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरह से सबसे ज़्यादा किंगडम में हो जाएंगे। तो नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, स्पेसीज से हम पढ़ें, तो एक क्रम असेंडिंग या बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है। अब अगर हम स्पेसीज असेंडिंग क्रम की बात करें, तो यहाँ पर नंबर लेस होंगे और ऊपर सबसे ज़्यादा होंगे, तो इस ऑर्डर को हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस ऑर्डर को याद करने के लिए भी हमारे पास एक एमनीमोनिक प्रेजेंट है, सौरभ गांगुली फैमिली जस्ट ऑर्डर्ड चावल दाल कबाब, इस एमनीमोनिक से आप असेंडिंग ऑर्डर को लर्न कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों ऑर्डर्स आपकी समझ में आ गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि इन ऑर्डर्स के अंदर कुछ फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हम इन फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब स्पेसिफिसिटी चेंज होगी, कॉमन कैरेक्टर्स चेंज होंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये तीन फैक्टर्स हम देखेंगे। इनके अकॉर्डिंग हम ये देखना चाहते हैं कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से इन फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम असेंडिंग ऑर्डर को समझ लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं यहाँ पर हम कैसे वर्क कर रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो किंगडम टू स्पेसीज होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी इमेज लगा रखी है, इसमें हम देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर और ये किंगडम से लेके स्पेसीज तक जा रहा है। सबसे पहले हम एक पहले फैक्टर को देखेंगे, हम पहला फैक्टर हमारे पास है स्पेसिफिसिटी, यानी हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाना कहाँ पर आसान है, या एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर, तो कहाँ पर हमारे लिए वो काम ईजी हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने किंगडम एनिमेलिया का एग्जाम्पल है और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हो गया किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पर एनिमल्स प्रेजेंट है, सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट है। अब आप चाहते हैं कि आप इनमें से सिर्फ एक लोयन को स्टडी करें, यानी कि आप एक लोयन को स्टडी करना चाहते हैं एक बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स में से, तो यहाँ पर एक लोयन को समझना या सिर्फ एक अकेले लोयन को निकाल के स्टडी करना हमारे पास इस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम बात करें एक अकेले लोयन को स्टडी करने के लिए, तो एक अकेला लोयन आपको मिलेगा इस कैटेगरी में, यानी स्पेसीज वाली कैटेगरी में एक अकेला लोयन आपको मिलेगा, यानी कि हमने एक सीक्वेंस में टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रखा है। किंगडम एनिमेलियम में सारे के सारे एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, फाइलम में कोर्डेटा वाले फीचर्स होंगे, क्लास में मैमेलिया वाले फीचर होंगे, ऑर्डर में कार्निवोला वाले फीचर्स होंगे, फैमिली फैलिडी होती है इसमें फैलिडी वाले फीचर्स होंगे, जीनस में पैंथेरा वाले स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, और एक पार्टिकुलर लोयन के जितने भी सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे वो सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी स्पेसीज में मिलेंगे। तो अगर हम स्पेसिफिक चलना चाहें, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की तरफ हम बढ़ना चाहें, तो ज़्यादा कैरेक्टर्स हमारे पास ऊपर वाली कैटेगरी में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर जो किंगडम बना हुआ है यहाँ पर हमारे पास मोर कैरेक्टर्स आर अवेलेबल और यहाँ पर हमारे पास है लेस कैरेक्टर, यानी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को समझना हमारे लिए स्पेसीज में ज़्यादा आसान है कंपेरेटिवली देन किंगडम। तो स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक स्पेसिफिक एनिमल की तरह हम बढ़ते जा रहे हैं जब हम किंगडम से स्पेसीज वाली कैटेगरी तक जाते हैं, यानी कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके अंदर स्पेसिफिसिटी बढ़ती है।
आप अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहें तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे नीचे तक जाते जाएंगे, जितना नीचे आप पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचेंगे। फिर से समझिए, किंगडम एनिमेलिया के मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताता हूँ। किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे मोटाइल होंगे, हीटरोट्रोफिक होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर ये हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं आई है। लेकिन इसके बाद में जब आप जाएंगे फाइलम कोर्डेटा के अंदर, आपको पता लगेगा कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जिनके पास वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट हो या लाइफ में कभी नोटोकोड प्रेजेंट रही हो। तो आपने देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स छट गए हैं, यानी कम हो गए हैं फाइलम में। जैसे हम आए तो कुछ कैरेक्टर्स कम हो गए, एक फाइलम हमने पढ़ लिया कोर्डेटा। अब उसके बाद में हम फिर क्लास में पहुंचे। क्लास जो होती है वो होती है मैमेलिया। अब मैमेलिया के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मिल्क ग्लैंड्स होते हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किंगडम में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन किए थे और अब नीचे की तरफ हमने और कैरेक्टर्स घटा दिए हैं। अब ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे वो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि वो मांस खाते हैं। अब फिर फैमिली फैलिडी के अंदर आएंगे, जो फैमिली फैलिडी है उसके अंदर बिग कैट्स और स्मॉल कैट्स को रखा गया है। इसके बाद में जीनस पैंथेरा आएगा और उसके बाद में सबसे जो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आएगी उसमें हम एक स्पेसिफिक सिर्फ लॉयन के ही कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, यानी कि लॉयन जो होता है वो जंगल का राजा जिसको हम बोलते हैं, उसके पास मेन होता है, मेल के पास, फीमेल हंटिंग करती है, मेल का काम होता है पूरे के पूरे जो पैक है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी 80% हंटिंग फीमेल करती है और जो मेल लॉयन का काम होता है वो होता है पूरे के पूरे जो ग्रुप है यानी पैक जिसको बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करना और अपना जो उसका रहने की जगह हैबिटेट है उसकी प्रोटेक्शन करना। तो इस तरह से स्पेसीज में जैसे हम पहुंच रहे कैरेक्टर्स की नंबर्स घटती चली गई, स्पेसिफिसिटी हमारे पास बढ़ रही है। अब ये हमने देखा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज, यानी पहला फैक्टर हमने समझ लिया कि अगर हमें स्पेसिफिक पढ़ना है तो हमें नीचे तक जाना होगा। जैसे हम नीचे तक कैटेगरी में जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करते रहते हैं स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज, यानी कि नीचे अगर आप ऊपर आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे, कम मिलेंगे और जैसे आप नीचे की कैटेगरी में पहुंचेंगे आपको कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं और यहाँ पर एक एनिमल्स सारे के सारे एनिमल्स प्रेजेंट है, अगर आप कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढना चाहें लॉयन के अंदर और इस वल्चर के अंदर, दोनों ही एनिमल्स हैं लेकिन इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे, लेकिन आप अगर इस लॉयन के अंदर और इस लॉयन के अंदर कॉमन कैरेक्टर ढूंढना चाहें तो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे स्पेसीज के अंदर और कम कॉमन कैरेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर यानी किंगडम के अंदर। तो इस तरह से जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं किंगडम से स्पेसीज तक जब हम मूव करते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो बढ़ते हैं। यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि जो ये हमारे पास एक जिराफ है और एक लॉयन है या एक ये राइनोसोरस है, अब इनके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किंगडम के अंदर कम होंगे और अगर हम जिराफ की स्पेसीज को स्टडी करेंगे तो जिराफ की स्पेसीज में यानी स्पेसीज वाली कैटेगरी में जब हम पहुंचेंगे तो उनके अंदर हमें मिलेंगे कि कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जब हम ऊपर से नीचे तक आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेज, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स की नंबर्स हैं उनकी संख्या है वो घटती जाती है। एनिमेलिया के अंदर मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं और पैंथेरा लियो यानी जहाँ पर हमने स्पेसीज में लायन को स्टडी हम करते हैं लियो स्पेसीज के अंदर, उसके अंदर एनिमल्स की संख्या कम है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेज फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज। यानी अब ये चीज़ें आपने समझ लिया कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है, यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर्स बढ़ते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स भी बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घटते जाते हैं। अब इसी का जस्ट रिवर्स होगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जब हम नीचे से ऊपर तक बढ़ेंगे तो स्पेसिफिसिटी घट जाएगी। यानी यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सारे लायंस को स्टडी कर रहे थे, जीनस पैंथेरा के अंदर जब आप जाएंगे उसके अंदर आप पैंथेरा में आने वाले बहुत सारे एनिमल्स को पढ़ेंगे, फैमिली फेरेडी में आएंगे आप बिग एंड स्मॉल कैट्स को पढ़ेंगे, ऑर्डर कार्निवोरा में आप जाएंगे सारे कार्निवोर्स को पढ़ेंगे, क्लास मैमेलिया में आप जाएंगे मैमल्स को पढ़ेंगे, फाइलम कॉर्डेटा में आप जाएंगे तो कॉर्डेट्स को पढ़ेंगे। तो इस तरह से स्पेसिफिक फीचर्स घट रहे हैं और कॉमन कैरेक्टर्स की जो नंबर्स है वो घट रही है लेकिन ऑर्गेनिजम्स की नंबर्स बढ़ रही है। यानी यहाँ पर आप सिर्फ लॉयन को पढ़ रहे थे और यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने इम्पैक्ट देखा है तीन फैक्टर्स पे क्या पड़ता है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर का। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आए हैं तो आप इतने वाले पार्ट को फिर से देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
अब हम देखते हैं टैक्सोन व कैटेगरीज क्या होती हैं। आइए अब देखते हैं टैक्सोन क्या होता है। कई जगह बुक्स में आपको टैक्सोन टर्म मिलेगा और ये लिखा हुआ मिलेगा टर्म टैक्सोन। ये जो सबसे पहले इसको दिया था वो थे एडोल्फ मेयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। टैक्सोन लिया है टैक्सिस से, टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, इसका प्लूरल होता है टैक्सा, यानी टैक्सोन अगर सिंगुलर में हम यूज करेंगे तो वर्ड टैक्सोन यूज करेंगे और प्लूरल में हम यूज करेंगे तो वर्ड टैक्सा यूज करेंगे। दिया था इसको एडोल्फ मेयर ने और कई जगह इसको कैटेगरी के साथ ही मेंशन किया जाता है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे टैक्सोन और कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है। तो अभी आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ के आए हैं, यहाँ पर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की प्रेजेंट है हमारे पास और यहाँ पर ये छोटे छोटे ग्रुप्स प्रेजेंट है, जो ये ग्रुप्स हैं इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। अब टैक्सोन की क्या डेफिनेशन है, टैक्सोन सिग्निफाइज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, यानी कि ये बहुत सारी रैंक्स प्रेजेंट है। अब इस रैंक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे इन पूरी पूरी की रैंक्स के अंदर उनको हम टैक्सोन कहेंगे। अ टैक्सोन रिप्रेजेंट्स द रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन अ कैटेगरी, यानी किसी भी कैटेगरी के अंदर जो रियल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाएंगे उनको आप बोलेंगे टैक्सोन। यानी कि ये जो कैटेगरीज बनी हुई है, ये जो यहाँ पर इस हायरार्की में स्पेसिफी जीनस फैमिली ऑर्डर ये जो वर्ड्स हैं इनको आप बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज में आने वाले इंडिविजुअल को आप बोलेंगे टैक्सोन। यानी कि हमारे सामने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जीनस और दूसरी है स्पेसीज। अब इसके अंदर हमने वो एक ऑर्गेनिज्म को रखा है जिसका नाम है जी मेज, यानी ये जो मक्का है इसको खाते हैं हम, भुट्टा इसको बोलते हैं। तो जो भुट्टा है ये अपने आप में क्या है, ये एक टैक्सोन है, और जिस हमने ये जिस कैटेगरी बनाई है इसकी जीनस एंड स्पेसीज ये जो ग्रुपिंग हमने की हुई है इनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर्टिफिशियल है, हमारे द्वारा बनाई गई है, और टैक्सोन एक रियल टर्म है, यानी कि इसके अंदर रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखे हैं किंगडम, तो किंगडम इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और किंगडम के सामने हम लिख दें एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, द टर्म एनिमेलिया इज अ टैक्सोन। फाइलम हमने लिखा हुआ है, टर्म फाइलम हमने लिखा हुआ है, टर्म फाइलम इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इसके अंदर अगर हम लिख दें कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम बोलेंगे टैक्सोन। तो इस तरह से टैक्सोन और कैटेगरी दो टर्म्स एक साथ यूज किए जाते हैं बहुत जगह, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बाद में बात करते हैं मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन की। यानी फाइलोजेनी आप पढ़ चुके हैं, फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो उसका सालों दर साल जो विकास हुआ है उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। फाइलोजेनी हमें कैसे पता लगती है, फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता लगती है। जब किसी इंडिविजुअल को के फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिलते हैं अलग अलग जगह से, हम उनकी कार्बन डेटिंग करके उनकी एज निकालते हैं, और अब तब हमें यह पता लगता है कि ये जो पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं ये इस तरह से इवोल्व होते आए हैं, यानी सालों दर साल उनके अंदर ये चेंजेस आए हैं। उनको हम सालों की सीक्वेंस बना करके कार्बन डेटिंग से उनका जो है एज निकाल लेते हैं और उनको साल के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक हिस्ट्री तैयार हो जाती है किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की, उस हिस्ट्री को हम उस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम फाइलोजेनी कहते हैं, और जिस ब्रांच के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं हम उसको फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं। इस तरह से जो यहाँ पर टर्म लिया हुआ है, यहाँ पर मोनो यानी वन, फाइलेटिक यानी कि एक ही इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट उनका एक ही तरह से हुआ है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स से डेवलप हुए होते हैं उनको हम मोनोफाइलेटिक बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे अलग अलग इवोल्यूशनरी उनका पैटर्न होता है या उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग होती है उनको हम पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन बोलते हैं। यानी कि आपके पास एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही एंसेस्टर से विकसित हुए हैं, अगर ऐसा ग्रुप आपके पास है तो उस ग्रुप को आप बोलेंगे मोनोफाइलेटिक, और अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं ऐसे ग्रुप को आप बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप देखिए, इस तरह से ये दो हो गए। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप देखिए मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, यहाँ पर आपको एक डायग्राम में एक ग्रुप्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर यहाँ पर ह्यूमंस दिख रहे हैं, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिबन्स, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, टार्सल्स एंड लेमूर, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको मोनोफाइलेटिक बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो ओरिजिनेशन हुई है वो प्राइमेट्स से हुई है। प्राइमेट्स क्या थे, प्राइमेट्स जो थे वो स्मॉल एनिमल्स थे, लेम्यूर की तरह के थे, जो ये लेम्यूर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला,
ये वाला जो एनिमल आप देख रहे हैं लेम्यूर, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे ये प्राइमेट्स बोले जाते हैं, और जितने भी ये यहाँ पर एनिमल्स आप देख रहे हैं ये सब प्राइमेट्स से ओरिजिनेट हुए, यानी यहाँ पर इन सब के एंसेस्टर्स कौन हो गए, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, इनके पास टेल थी, साइज में छोटे थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों के ऊपर ये रहते थे, और इन्हीं से सारे के सारे ये इंडिविजुअल अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्व हुए, यानी यहाँ पर प्राइमेट्स सबसे नीचे प्रेजेंट है और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इस फाइलोजेनेटिक ट्री की हेल्प से आप देख सकते हैं ये प्राइमेट से ही इवोल्व हुए, यानी ह्यूमंस भी प्राइमेट से इवोल्व हुए हैं, चिंपांजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला, ये सब इसी से इवोल्व हुए हैं। तो इस तरह से इन सारे के सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, इट इज कॉल्ड मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, क्योंकि इनका जो फाइलोजेनिक हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ये एक ही एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन की। अब जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे इसके बाद में आपको छोटी सी क्लिप दिखाई जाएगी, उस क्लिप में आप देख पाएंगे अलग अलग से जो चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंग उठान है वो दिखने में कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेज बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। तो पहले आप उस स्लाइड्स को देखिएगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉलीफाइलेटिक इवोल्यूशन को या पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन्स को। क्लिप आपने देख ली होगी। आइए बात करते हैं पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन की। पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो एक साथ आपने अरेंज कर रहे हैं, आप उसको स्टडी भी हो सकता है कर रहे हो, लेकिन उनके जो इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लें बैट और बर्ड्स का, बर्ड्स जो होते हैं दोनों के पास, बर्ड्स और बैट के पास विंग्स होते हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं और इनके जो विंग्स की स्ट्रक्चर होते हैं वो भी अलग अलग होती है। तो इस तरह से ये जो दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये दोनों अलग अलग एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो एवीज की कैटेगरी में आते हैं, यानी इनको एवीज कहा जाता है, और जो बैट्स होते हैं ये मैमल्स होते हैं, बैट मैमल्स होते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं। जो बर्ड्स होते हैं ये अंडे देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पास पंख होते हैं, तो एक तरह से हम इनको फ्लाइंग एनिमल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों के दोनों एनिमल्स हैं इनकी जो एंसेस्टर्स है वो अलग अलग हैं, उनका ओरिजिनेशन भी अलग अलग है। इस तरह से इस ग्रुप को हम कहेंगे पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन। तो ये हो गए पॉलीफाइलेटिक एंड मोनोफाइलेटिक टैक्सोन। अब हम देखते हैं रियल एग्जिस्टेंस की कैटेगरी क्या होते हैं, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ रियल एग्जिस्टेंस। अभी आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बहुत अच्छे से पढ़ी है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने पढ़ी है, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आपने ये देखा कि बहुत सारे टैक्सोन प्रेजेंट है। अब उन टैक्सोन के अंदर जितने भी सारे के सारे ग्रुप्स हैं वो सारे हमने ही तो खुद बनाए हैं, वे ग्रुप्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि आपने जंगल में बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, वो सब अलग अलग घूमते रहते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सारे मैमल्स एक जगह घूम रहे हैं या सारे कॉर्डेट्स एक जगह बैठे हैं। एक अगर फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो सारे के सारे एनिमल्स ऐसे ही एट रैंडम प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो रियलिटी में नेचर ने कोई भी कैटेगरी इस तरह की नहीं बनाई है, लेकिन हमने अपनी स्टडीज़ को आसान करने के लिए, जिससे हमारा काम आसान हो सके, हम उनको अच्छे से स्टडी कर सके, क्योंकि बहुत ही लार्ज डाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमने अपनी पसंद से अपनी सोच के अनुसार कुछ ग्रुप्स और कुछ कैटेगरीज बना दी थी। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो रियल एग्जिस्टेंस वाली कैटेगरी हमारे पास है वो सिर्फ स्पेसीज वाली कैटेगरी है, यानी स्पेसीज तो प्रेजेंट है। इसी तरह से जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपके सामने आई उनमें से स्पेसीज तो रियल होती है, लेकिन अगर आप पैंथेरा जीनस की बात करें, अगर हम लायन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कार्निवोरा की बात करें, तो ऐसी कोई कैटेगरी एज सच नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। सारी की सारी जो कैटेगरीज है वो हमने आर्बिट्रेरीली अपनी मनमर्जी से बना लिया, मैन मेड है वो सारी की सारी कैटेगरी। रियल एग्जिस्टेंस की जो कैटेगरी है वो है स्पेसीज। तो इस तरह से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ रियल एग्जिस्टेंस, उसका आंसर होगा ओनली द स्पेसीज हैव रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी नेचर में सिर्फ स्पेसीज ही रियली एग्जिस्ट होती हैं। मैमल्स प्रेजेंट है लेकिन उनका कोई ऐसा एज सच ग्रुप नेचर ने नहीं बना रखा है कि इस पेड़ की शाखा पर, इस पेड़ की ब्रांच पर आपको सिर्फ मैमल्स ही बैठा मिलेगा, वहाँ पर आपको बर्ड्स नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई कैटेगरी रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती है।
चलिए अब एडवांटेजेज ऑफ हायरार्किकल सिस्टम पढ़ते हैं। अभी हमने इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा हायरार्किकल सिस्टम पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश की है, और इतना बड़ा हायरार्की टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने बनाई है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें इसके बनाने का फायदा क्या हुआ। तो इसका जो एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज है कि हमें हेल्प होती है प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्क्राइब करने की। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी प्रेजेंट है किंगडम, किंगडम हमने दो बना दिया, एक किंगडम एनिमेलिया रख दिया, एक किंगडम प्लांटी बना दिया। एनिमेलिया के अंदर हमने सारे एनिमल्स को रख दिया और प्लांटी के अंदर हमने सारे प्लांट्स को रख दिया। अब आपको अलग अलग से स्टडी करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ किंगडम प्लांटी में जाना होगा, उस प्लांटी में आपको सारे के सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ईजी हो गया आपके काम डिस्क्राइब करना प्लांट्स और एनिमल्स को, आप ईजिली समझ सकते हैं, उनके फीचर्स जान सकते हैं। अगली एडवांटेज ये है कि जितनी भी लोअर कैटेगरीज नीचे मेंशन की जा रही है, उसमें जो स्मॉलर कैटेगरीज है उसमें लार्जर कैटेगरीज के जो फीचर्स हैं आपको बार बार मेंशन नहीं करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स पढ़े, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, हीटरोट्रोफिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। तो किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे फीचर्स आपने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की, हम सिर्फ कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब कॉर्डेट्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो ये होंगे कि ये जो कॉर्डेट्स में आने वाले एनिमल्स होते हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होती है, या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो कैरेक्टर्स हमने किंगडम एनिमेलिया में पढ़े थे कॉर्डेट्स से वो डिफरेंट है, लेकिन कॉर्डेट्स जो है किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने वाला एक फाइलम है। इस तरह से जो कैरेक्टर्स हमने पहले किंगडम एनिमेलिया में मेंशन कर दिए या पढ़ लिए हैं उनको हमें फिर से कॉर्डेट्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें उनको फिर से कॉर्डेट्स में नहीं लिखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले किंगडम एनिमेलिया के सारे फीचर्स लिखेंगे फिर ला करके फाइलम कॉर्डेट्स के सारे फीचर्स लिखेंगे। आप अगर फाइलम कॉर्डेट्स लिख रहे हैं तो सिर्फ आप वही पार्टिकुलर कैरेक्टर्स लिखेंगे जो कॉर्डेट्स के होते हैं। अब आप आते हैं क्लास मैमेलिया के बारे में। क्लास मैमेलिया के अंदर मैमल्स के फीचर्स आप लिख देंगे सारे के सारे, कि इनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे ये नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मिल्क ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स इनके पास होती है जिससे अपने बच्चों को ये दूध पिला सकते हैं। तो क्लास मैमेलिया के अंदर आपने जितने भी फीचर्स मेंशन किए हैं ऊपर वाले फीचर्स यानी किंगडम के अंदर आने वाले फीचर्स और फाइलम के अंदर आने वाले फीचर्स अपने आप अप्लाई हो गए हैं क्लास के अंदर। तो इस तरह से जो हम लार्ज कैटेगरी में कैरेक्टर्स मेंशन कर देते हैं उनको हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, स्मॉलर कैटेगरी में आप उन कैरेक्टर्स को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो किंगडम एनिमेलिया में कैरेक्टर आपने दिए थे वो सारे के सारे क्लास मैमेलिया या ऑर्डर कार्निवोरा पे अपने आप अप्लाई हो जाते हैं, बिना उनको मेंशन किए बिना उनको लिखे वो अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। इससे बार बार सारे के सारे कैरेक्टर्स को आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक पैंथेरा लियो की स्पेसिस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे के सारे ऊपर से कैरेक्टर्स आपको मेंशन नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे कि ये किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, फाइलम कॉर्डेटा में आता है, तो सारे के सारे जो ऊपर वाले फीचर्स हैं अपने आप अप्लाई हो जाते हैं स्पेसीज के ऊपर। इस तरह से ये एक एडवांटेज है हायरार्किकल सिस्टम की कि लोअर कैटेगरीज में हमें बार बार कैरेक्टर्स मेंशन नहीं करने पड़ेंगे, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मेंशन करेंगे जो एनिमल्स के होते हैं। यानी कि हम मेंशन कर देंगे कि लॉयन होता है, जंगल का राजा होता है, इसके पास बहुत बड़ा मेन होता है यानी बहुत वाइड इसका मेन होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना अपने पूरे ग्रुप की, इसके अंदर जो फीमेल होती है वो हंटिंग करते हैं, 80% जो हंटिंग होती है लोयन के ग्रुप में वो फीमेल करती है, और अपना जो हैबिटेट होता है यानी जो उसकी जगह होती है जहाँ पर रहता है गुफा वगैरह में जहाँ भी रहता है जंगल के जिस एरिया में वो रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और अगर वहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप लोयंस का आ जाता है तो उनसे फाइट करना, उनसे लड़ना झगड़ना ये सारा का सारा काम होता है लोयंस का। 10 से 12 साल तक लोयन जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो ये सिर्फ फीचर्स हम स्पेसीज में यही फीचर्स मेंशन करेंगे। अगर आपको लोयन को पढ़ना है तो आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे और लोयन के फीचर्स बता देंगे। लोयन के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि लोयन एक एनिमल होता है, ये मल्टी सेलर होता है, ये हीटरोट्रोफिक होता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अपना फूड खुद ऑब्टेन नहीं कर सकता, ऐसे आप ऊपर से नीचे तक सारे कैरेक्टर्स मेंशन नहीं करने आपको पड़ेंगे। आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख देना होगा और क्लासिफिकेशन लिखने से ही सारे जो फीचर्स हैं अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेजेज होती है हायरार्किकल सिस्टम की। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अब हम इस वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। हमने ये देखा था कि हायरार्की एक सीरीज होती है अलग अलग रैंक्स की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, जिसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके फीचर्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं उनकी हम पार्टिकुलर ग्रुपिंग करते हैं,
और उन ग्रुपिंग को एक ग्रुप को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं। इस तरह से हमने 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी और 21 इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी। इंटरमीडिएट कैटेगरी के बाद में हमने इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज को भी पढ़ा था और ये भी हमने जाना था कि रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम टैक्सोन कहते हैं और जो स्पेसीज वाली कैटेगरी होती है वो ही एक रियल एग्जिस्टेंस करती है और सारी की सारी बची हुई कैटेगरीज मैन मेड है। और सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ा कि वे इंडिविजुअल का ग्रुप जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक ही एंसेस्टर से इवोल्व होते हैं उसको हम मोनोफाइलेटिक कहते हैं और जो ग्रुप अलग अलग एंसेस्टर से इवोल्व होते हैं उनको हम पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन कहते हैं और इस फिनोमेना को हम मोनोफाइलेटिक इवोल्यूशन एंड पॉलीफाइलेटिक इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसी के साथ समरी कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। आई होप जो जो चीज़ें आज आपने समझी है आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा टफ था, अगर आपको कोई डाउट रहता है कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आ पाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।